जम्मू के कालाकोट सोलंकी क्षेत्र में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक कालाकोट ठाकुर रशपाल सिंह ने की। इस मौके पर उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर था। साथ ही ठाकुर रशपाल सिंह ने सरकार पर भी तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कालाकोट में कानून नाम की कोई चीज नहीं है और कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है। फिर थोड़े दिनों में सुना वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गया। मैंने कहा अब कैबिनेट मिनिस्टर भी है तो वो यहाँ चार चांद इस इलाका में लगाएगा, यहाँ सब लोग हिंदू मुसलमानों के काम होंगे, हालात बदलेंगे। तो मैं तो MLA रहा ही हूँ, सारी उम्र तो किसी ने रहना ही नहीं MLA। लोग हमारे सीधे हैं, कालाकोट के लोगों का कोई कसूर नहीं, ना मुझे हराने में ना मुझे जिताने में। अगर जताया इन्होंने तो इनकी सोच थी, हराया तो इनकी सोच थी। लेकिन बाई लार्ज लोग हमारे गरीब और शरीफ हैं, बड़े बड़े लोग धोखे में आ जाते हैं। अब आप पार्टी का काम तो नहीं है ना लोगों को नाराजगी करनी। मैंने पहले दिन ही कहा था भाई अल्लाह का फैसला था, मैं हार गया, बात खत्म, हमने दूसरे के हाथ में बागडोर दी है। हमारा काम है हम देखें, बाहर से देखें भाई अंदर कमरे में कौन सा खाना बन रहा है, बनाने दो। ऐसे किचन में हम जाके जड़ेंगे, वो कहेंगे यार ये किचन में आ गए, ये मेरे काम रोक गए, मेरा जे हो गया, मेरा वो हो गया। कोहली साहब कहते हैं, मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं। हालांकि साथी मेरे नाराज भी हुए, कहा नहीं हमें पहले दिन से एक्टिवली अपोजिशन करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। मैं नहीं माना, अंग्रेज पॉलिसी की तरह से उसने सोचा भाई गवर्नर भी अपने लगाओ ताकि ये गरीब लोग फंसे हुए मेरे ही आगे पीछे फिरे। उन्होंने गुजर बोर्ड का भी मेंबर अपने ही बेटे को बना दिया। अरे जो आदमी कैबिनेट मिनिस्टर हो, आपने कभी जिंदगी में 12 सालों में देखा है कि मेरे भाई कोई स्टेज पे? मैं 12 साल MLA रहा, 3 साल मिनिस्ट्री स्टेटस, कहीं देखा स्टेज पर बैठे हुए? हाँ रोटी खिलाते हुए जरूर देखे होंगे, या खाना बनाने की उनकी ड्यूटी जरूर लगती थी। जो भी हिंदुस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर को फंड देगी थ्रू MLA, जो भी MLA उस वक्त का होगा, और जो लाएगा वो MLA की जात का नहीं है, MLA के कहीं बुजुर्गों का नहीं है, फादर का नहीं है। उसके बाद यहाँ धर्मशाल वाले हमारे साथियों ने एजिटेशन कर दी, फिर हम सरकार के पास गए। हमने कहा जी जब धर्मशाल के हमारे साथी कहते हैं कि हमारी पुराना टाउन है, तहसील बननी चाहिए, ब्लॉक बनना चाहिए धर्मशाल, और पुराना टाउन इग्नोर है। हमने कहा फैसला आप कर लेना बाद में, लेकिन उसका प्रोजेक्ट और देवक का प्रोजेक्ट गया, और एक न्यावत मैंने बडून में मांगी दूसरी टर्म में, कैबिनेट ने वो भी सैंक्शन कर दी। बदकिस्मती हमारी जे हुई, लास्ट मीटिंगों में सैंक्शन तो हो गई, ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया, हम लागू नहीं कर सके फैसला। धर्मशाल को तहसील और धर्मशाल को ब्लॉक, देवक को ब्लॉक और न्याबत बडून की न्याबत, जब हम नहीं कर सके, हमने कहा क्या सरकार का फैसला आगे कंटिन्यू करेगा, जो सरकार आएगी वो बढ़ाएगी। हम लोग जहां रियासत में हार गई, हमारी पार्टी हार गई, नई पार्टी जहां आ गई, जहां बीजेपी को जम्मू से सीटें मिली और कश्मीर से PDP को मिली, हालांकि दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग, एक राइट है एक लेफ्ट, लेकिन उन्होंने पावर को सामने रखते हुए और लोगों की ख्वाहिशात को रखते हुए एक फैसला लिया। लोगों का फैसला होता है, लोग भगवान की शक्ति रखते हैं, लोगों की आवाज भगवान की आवाज है। तो हमने कहा जो नए लोग आएंगे वो हमसे ज्यादा अच्छा काम करेंगे, हमें लोगों में इतना काम करेंगे कि लोग जो हमें भूल के उनको याद करेंगे। मैंने अपने पार्टी के लोगों से कहा कि भाई अब मैं एक दो साल हमने फ्री हैंड मोहतरम कोहली साहब को देना है कि वो यहाँ की डेवलपमेंट कराएं, और जिस दिन कोहली साहब जीते मैंने उनको हार डाला। बाकी तो हमारे मेरे दोस्त अशोक जी बाकी सब निकल गए, चार पांच लोग कैंडिडेट थे, मैंने जब वो जीते हार डाल के मैंने कहा
कालाकोट की रहनुमाई आज के बाद आपकी है और आपने डेवलपमेंट कालाकोट की करवानी है, मेरी जिम्मेवारी खत्म।